सूरत शहर में रेलवे गुड्स मार्फते कापड़ जरियान वगैरह नो ट्रांसपोर्टेशन वधे अने तेने सरलता थी थई शके माटे आज फोस्टा अने रेलवे ना अधिकारी वच्चे बैठक योजाई थी, जेमां खास करीने रेलवे मार्फते जता मालना ट्रेकिंग सीस्टम अमल में लावा, रेलवे में विविध विभागों में नियमितता लावा सहित अन्य विविध प्रश्नों अंगे चर्चा विचारणा करवामां आवी हती। कापड़ उद्योग संगठन फोस्टा तथा रेलवे उच्च अधिकारी साथ आज एक संयुक्त बैठक योजाई थी, जेमां सूरत थी आखा भारत में रेलवे गुड्स मार्फते कापड़नी साथे साथे जरियान वगैरेनो माल सरळताथी जई शके ए माटे विविध चर्चा विचारणा थई हती। बैठक में कापड़ना वेपारीओ रेलवे अधिकारी ने जणाव्यु के रेलवे ट्रांसपोर्ट मार्फते माल मोकलवा माटे ट्रेकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं, ट्रेन मार्फते करोड़ों माल भारत विविध स्थले मोकलवामां आवे त्यारे ट्रेकिंग सीस्टम होवी जरूरी है। आ साथे जणावायुं हतुं के वेस्टर्न रेलवे ने ईस्टर्न रेलवे वच्चे समन्वयनो अभाव होवाथी सूरत थी मोकलाता माल उतारवामां अनियमितता आवे छे, जयरे सूरत थी वाराणसी रेलवे स्टेशन साथ गुड्स मार्फते माल मोकले त्यारे वाराणसी थी माल ने बहार लावा माटे वधारानो लेबर चार्ज, पार्सल ने नुकसान वगैरह वेपारी ने भोगवू पड़ी रह्यु छे। तेथी माल नी डिलीवरी वाराणसी प्लेटफॉर्म नंबर 9 स्थाने अन्य प्लेटफॉर्म पर करावानी मांग कराई हती। मैं मंडल वाणिज्य प्रबंधक मुंबई मंडल पश्चिम रेलवे से हूँ। काफी सकारात्मक मीटिंग रही, उसमें जो टेक्सटाइल एसोसिएशन उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए, कुछ सुझाव दिए और उस पर हम लोग काम करेंगे। इसमें काफी रचनात्मक मीटिंग मैं इसको कहूँगा। किस तरह से मुद्दे कुछ दो तीन मुद्दे थे, एक मुद्दा था कि वो चाहते थे कि जो उनकी पार्सल की ट्रेनें जाती हैं उसको ट्रैकिंग की सुविधा हो, तो एक ये मुद्दा था। दूसरा उनका था कि कई बार इनको जो ट्रांजिट टाइम है, जो माल जाने का समय लगता है, वो कम लगना चाहिए। कई बार कुछ उसके मुद्दे थे कि जो समय पे इनको जो इंडेंट लगाते हैं वो सप्लाई हो, तो इस तरह के कुछ मुद्दे थे जिन पे की चर्चा हुई है और इस पे उपयुक्त स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। अभी तक कितना माल जा चुका है यहाँ से? अभी तक लगभग 40-50 रेक जा चुके हैं। इसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी बता पाना फिलहाल देख के बता पाऊंगा। वैसे हमारे पास उसका डाटा उपलब्ध है, लेकिन अभी तुरंत याद नहीं। मेजर कहाँ सूरत से सप्लाई? मेजर जो अभी हमारा सूरत से जा रहा है वो जा रहा है नारायणपुर अनंत मुजफ्फरपुर के पास, वाराणसी, भागलपुर, अजरा जो कि गुवाहाटी के पास है, और सकरैल जो कि कलकत्ता के पास है। तो ये जो पूर्वी भारत के कई क्षेत्रों में यहाँ से माल जा रहा है। आगे किस तरह प्लानिंग रहेगी? आगे हम लोग काफी आशान्वित हैं कि आगे जो सूरत का कपड़ा उद्योग है और रेलवे की जो ये भागीदारी है वो आगे और बढ़ेगी, फलेगी फूलेगी। इन्होंने जो भी सुझाव दिए हैं उस पर हम लोग कार्य करेंगे और ऐसी हम उम्मीद रखते हैं कि जो रेलवे का जो कोएफिशिएंट है कपड़ा उद्योग में वो बढ़ता ही रहे। आज फोस्टा के अंदर बॉम्बे से वाणिज्यिक डिवीजन के जो अधिकारी हैं, बलसाड़ के अधिकारी, रेलवे के और सूरत के, आप सब पधारे और हमारी इस एक साल पहले भी इस विषय पे ट्रांसपोर्टेशन को लेकर मीटिंग हुआ था। आज वापस उसी संदर्भ में मीटिंग हुआ और काफ़ी सकारात्मक मीटिंग हुई। व्यापारी भाइयों के साथ में पोस्टा के डायरेक्टर्स और ट्रांसपोर्टर्स और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष युवराज देसले जी मेरे साथ खड़े हैं। इस कुछ मुद्दे हमारे थे कि रेलवे में एक साथ में व्यापार जो हमारा हो रहा था काफ़ी गिरावट आई, ये गिरावट क्यों आ रही है, तो वो डिपार्टमेंट ने उसको संज्ञान में लिया और हमारे साथ बात की। उसके बाद हमारे ट्रांसपोर्टर्स और व्यापारियों की भी कुछ समस्याएं थी कि एक तो रेलवे में जो माल जा रहा है उसका ट्रैकिंग नहीं हो पाता है, तो अधिकारियों ने बताया कि ये टेक्निकल डिवीजन का मैटर है, ये बात हमारी आगे तक आपको पहुँचाएंगे। दूसरा, हमारे यहाँ से एक अच्छी मांग ये की गई कि हमें उधना रेलवे स्टेशन पर एक जगह दी जाए। जैसे अभी क्या होता है, एक एक व्यापारी का, जैसे 70,000 व्यापारी है, किसी का एक पार्सल निकलता है, किसी का 50 निकलता है, किसी का 5 निकलता है, क्योंकि एक ट्रांसपोर्टर अपनी इंडिविजुअल बुकिंग लेता है। तो ये बुकिंग हम लोग रेलवे के हमें वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे या रेलवे में एक जगह हमें उधना रेलवे स्टेशन पे दी जाए, जैसे हम लोग छुटक बुकिंग से लेकर बड़ी बुकिंग तक वहीं पे ली जाए, तो बड़ी ट्रेन लगने में और असुविधाएं नहीं होंगी, ट्रांसपोर्टेशन भी फास्ट होगा। जो एक दो दिन का ट्रांसपोर्टर के यहाँ माल पड़ा रहता है वो समय भी हमारा बचेगा। ऐसे कई सारे मुद्दे थे, एक रेलवे के जो ट्रैक को डाइवर्ट कर दिया जाता था वो मुद्दे, जो हमारे व्यापारी को माल भी डिले होता था और काफी महंगा पड़ता था, ट्रांसपोर्टर को भी कॉस्ट नहीं आती थी। इन सारे मुद्दों पे हमने जो सुझाव दिए और अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि हमारी सारी इन बातों को उच्च अधिकारियों तक और मंत्रालय तक पहुंचा के, क्योंकि सूरत में वो पोटेंशियल है। आज भी सूरत में 1,00,000 करोड़ के टर्नओवर वाली जो सूरत की मंडी है
उसमें से 5,000 करोड़ का भी 500-700 हजार करोड़ का कपड़ा भी रेलवे से जा नहीं पाता है। तो हम लोग प्रयास करके संगठन के माध्यम से हम लोग चाहेंगे कि हमारे व्यापारी को फैसिलिटी बने, और ये जो मोदी जी के जो सपनों का भारत है, मोदी जी का जो विजन है कि कैसे ट्रांसपोर्ट के जरिए डोमेस्टिक रोड ट्रांसपोर्ट और रेलवे कैसे फास्ट डिलीवरी हो, कैसे कॉस्टिंग कम आए, तो इस मॉडल में हम लोग कैसे मदद कर सकते हैं और उनके सपनों को कैसे पूरा कर सकते हैं। तो व्यापारी संगठन अपने जिम्मेदारी के साथ, हम ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन इसमें सहयोग करने को तैयार है। हमारी प्रॉब्लम्स है वो आगे तक इसका सोल्यूशन निकलेगा, हमें पूरा भरोसा है।